शैतरम बिस्मिल्लिम हो वसमीमल़ूर हो व्याम्ल महमदा महमदिन दरबार मामजादा अब्दुल्ल शाहतर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अल्लाम रबरक़ाब्यामत के नज़दीक होने की जहाँ अलामत ला इलाज बीमारियाँ हैं जिस तरह न्यूरो फाइबरडोमा है सिस्टस फाइबरडोमा है कैंसर है आ, हैप्टिक लिवर है इसी तरह आ, स्किन की डिजीज़ आ रही हैं और इसी तरह आ, लिवर कैंसर के साथ लंग्स के कैंसर डेवलप हो रहे हैं ब्रेस्ट नंबर वन किलिंग कैंसर ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होता है वहीं और जो वायरली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ हैं जो कि मच्छर से भी आ रहे हैं जिसे हम डेंजी कहते हैं या जो टाइफाइड मलेरिया या जो वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती हैं उन्हीं में फिर अभी कोविड आया फिर उसकी म्यूटेशन आई और अब उसकी और फर्दर म्यूटेशंस आ रही हैं उसके साथ ही क़यामत की और भी भीत हैं जो अब हमें कन्वर्ज कर रही हैं टूवर्ड्स क़यामत हमें इकट्ठा कर रही हैं और बॉटल नैक होकर हम बहुत ज़्यादा Uh, एक जगह कॉम्प्रीहसिवली जमा हो रहे हैं अब क्योंकि हम एक नैरो स्पेस में जमा किए जा रहे हैं तो कुरान की वो आयत भी पूरी हो रही है कि हम तुम्हें एक जगह जमा करेंगे ये एक जो जगह जमा करना है उसका फ़लसफ़ा थोड़ा सा समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बड़ी स्पेस है बड़ा कमरा है और वहाँ ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स आना चाहें तो आराम से आ जाएंगे क्योंकि उनकी क्लास में कैपेसिटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स की होगी लेकिन अगर आप 22 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में अगर आप 100 स्टूडेंट्स को जमा करने की कोशिश करें तो कयास भी होगा अफरा तफरी भी होगी कोई फंक्शन चीज़ सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकेगी समझ लीजिए कोई काम भी फंक्शनल नहीं हो सकेगा एक्जैक्टली exactly यही मिसाल कायनात की है कि अल्लाह पाक वक्त को भी खींच रहे टाइम फ्रेम को भी कन्वर्ज फरमा रहे और वो करीब आ रहा है आ, बीमारियों को बढ़ा रहे हैं पाक और उम्रों को कम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हैप्पीनेस जो है वो कम होता जा रहा है गम बढ़ रहा है तूफ़ान आ रहे हैं जलजले आ रहे हैं बीमारियाँ आ रही हैं ज़ के है कि अल्लाह पाक हर तरह से बताने की कोशिश फ़रमा रहे हैं उम्मत को कौम को दुनिया को मेरी तरफ़ लौटो पलटो के अभी तक तोबा के दरवाज़े खुले हुए हैं इस वक्त जो हम ये बात कर रहे हैं वो बात करने का मकसद ये है कि इस कन्वर्जन में ये जो कन्वर्ज हो रही है दुनिया एक नुक्ते पर वापस आ रही है और अल्लाह पाक इन्हें कॉम्प्रीहेंसिवली एक जगह इकट्ठा फरमा रहे हैं उन्हीं वजूहात में बहुत सिग्निफिकेंट एक मिसाल और है जिसको अभी इरा ऑफ टाइम के लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं और जब ऑब्ज़र्व कर पाएंगे तो बहुत टाइम निकल चुका होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुनशल अमीर तरीन पिलियनर मल्टी बिलियनर लोगों का माइग्रेट करना है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अब वो मजीद जिस जगह रह रहे थे वहाँ उनका फाइनेंशली रहना अब मुनासिब नहीं है क्योंकि दुनिया जिस तरह ग्लोबली चेंज हो रही है इफ़ेक्ट हो रही है वो अपनी जो सेविंग्स हैं जो उनकी आ, अर्निंग्स हैं या उनकी जो सबसे बड़ी प्राइम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसको सिक्योर नहीं कर सकेंगे जाहिर कोई भी इंसान चाहे वो मिलियनर हो मल्टी हो वो जहाँ रहेगा उसको एक अपनी रिहाइश की और वो जहाँ रहता है उसे वहाँ की सिक्योरिटी दरकार होती है ये बेसिक इकनॉमिक्स कहलाती है किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिक्योरिटी की जब तक उसे सनद नहीं देगा किसी भी मुल्क का कैपिटलिज्म या कैपिटल सिस्टम रन नहीं हो सकता उसकी इकोनॉमी फर्निश नहीं हो सकती ना ही उसकी स्पिरिट कायम रह सकती है लिहाजा कोई भी प्राइम इन्वेस्टर जब किसी दूसरी मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट की कोशिश करता है तो उसकी प्राइम वजह यही होती है कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ माल कितना सिक्योर्ड है मैं आपको इस सेगमेंट के ज़रिए ये बावर कराना चाहता हूँ और आपकी तवज् इस तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि दीन से इस्लाम की रोशनी में जो हम आले रसूल अहल बैत के सदक़े सरकार की जो अदीस मुबारक में ऑब्ज़रवेशन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि सरकार ने जितनी अलामत क़्यामत बयान की हैं उनकी रोशनी में देखा जाए तो जो अमारात है या जो अरब की जो लैंड है वो तेज़ी से आबाद होगा आप तस्वुर नहीं कर सकते कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इंफ्लुन्शल और पोटेंशली सबसे फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज जो हैं वो जहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर रही हैं और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं सबसे पहले मैं आपको नाम लूँगा वो है रशिया रशिया के जो 60,000 से ज्यादा बिलियनर लोग हैं जो पोटेंशियल फैमिलीज हैं वो माइग्रेट कर रही हैं और वो कहां जा रही हैं एक जगह मुत अरब अमारात इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो बिलियनर लोग हैं वो वहां से माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं मुतद अरब अमारात इसी तरह आपने देखा होगा श्रीलंका का क्या हाल हुआ बैंकमसी की तरफ हो गया यहां के जो प्राइम बिलियनियर लोग थे वो आज से तीन साल पहले इस इकोनॉमी फ्लक्स को ऑब्जर्व करते हुए तीन साल पहले ही माइग्रेट कर गए ये श्रीलंका का हाल एकदम से बैंक रमसी ऐसे ही नहीं हुआ है ये टाइम फ्रेम से आया क्योंकि उन्होंने जो बिलियनियर इन्वेस्टमेंट अप्रोच थी उनकी उन्होंने देख लिया था महसूस कर लिया था कि हम अपने कैपिटल को अपनी सेविंग को यहाँ कायम नहीं रख पाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से एक्सट्रैक्ट करके जा रहे थे यही हाल बांग्लादेश का हो रहा है ये सब लोग कहां जा रहे हैं मुतदा अरब अमारात एंड आई एम सॉरी टू से यही हाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी होता जा रहा है कि प्राइम बिलियनियर्स ऑफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं मुतद अरब अमारात अब वहां पे जो प्राइम इन्वेस्टमेंट हो रही है सरकार की हदीस वो पूरी हो चुकी है होने जा नहीं रही पूरी हो चुकी है कि कयामत जब तक कायम ना होगी जब तक तुम अहल अरब को देख ना लो कि उन्होंने सहरा को सरसब्स कर दिया है और इतनी बुलंदो बाला इमारतें तामीर की हैं कि वो एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं नौ बुर्ज अल खलीफा इज लॉन्ग हिस्ट्री अब उससे भी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आ रही हैं और उससे भी बिल्डिंग्स आ रही हैं ये सारी प्राइम इन्वेस्टमेंट जो पोटेंशियल इकोनॉमिक जो हब है जो बनने जा रहा है वो नेक्स्ट मुत अरब अमारात है मैं ये बात इसलिए आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि ये कयामत की अलामत को जो अहल इल्म दीन वाले और सरकार से मोहब्बत करने वाले उनकी औलाद से मोहब्बत करने वाले जब तक क़ुरान से और सरकार की औलाद और उनकी मोहब्बत से कायम रहेंगे उनकी बचत होती रहेगी वो इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे जो की नोट यहाँ मैं आपको इस सेगमेंट में आपकी गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि आप तस्वुर कीजिए कि जितने लोग माइग्रेट करके दुनिया भर से मुतह अरब अमारात जा रहे हैं उनमें 90 परसेंट तो मुसलमान ही नहीं है सिरे से उनका इस्लाम से कल्बे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है वो दुनिया की इकोनॉमी को ऑब्ज़र्व करके माइग्रेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ ये ना कहूं आपको कि ये लोग तो इग्नोरेंट हैं ये लोग तो सिर्फ़ इस दुनिया के हिसाब से पोटेंशियल पावरफुल लोग हैं असल ताकत असल दीन की ताकत और स्पिरिट तो हमें सरकार ने बख्शी थी अल्लाह के हुक्म से और मुसलमान सबसे पीछे हो गए वो चीज़ जो ये आज दुनिया में ऑब्जर्व करके अपने आप को बचा रहे हैं ये मैनुअल तो हमारे प्यारे नबी ने हमें 1500 साल पहले आता फरमाया था और आज के लोग उसे पुरानी बातें कहते हैं या पुराने वक्तों की बातें कहते हैं और ये भी कयामत की अलामत में से एक अलामत है कि सरकार ने क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक तुम ऐसे ग्रोह को या ऐसे लोगों को ना देखो जो अपने पिछलों को बुरा कहने लगेंगे और यही वो वक्त है कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशली जो पावरफुल इकनॉमी वाले कंट्रीज़ हैं उनके लोग माइग्रेट कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में श्रीलंका की जो वॉक वेज पर जो कंट्रीज़ फॉलोअप कर रही हैं और जो उनके इकनॉमिक क्राइसिस के एग्जैक्ट उनके फुटप्रिंट्स पे फॉल कर रही हैं उसमें पाकिस्तान भी है उसमें बांग्लादेश में है उसमें हिंदुस्तान भी है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आप हैरान होंगे उसमें नेक्स्ट चाइना भी आ रहा है क्योंकि इनकी तमाम प्राइम इन्वेस्टमेंट करने वाले माइग्रेट करके मुत अरब अमारात जा रहे हैं अल्मा सल महमदियों वहमद्न बक्क़ गाज़ी या गाज़ी